वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में, जहां पर खुलकर लोगों ने खेली होली और रंग बिरंगे गुलाल और रंगों में सराबोर रहे। कोरोना वायरस को दिया मुंह तोड़ जवाब। इस मौके पर हमारे साथ जुड़े महान समाज सेवी कमरुद्दीन, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बहुत शांति है, खुशहाल जिंदगी है और कोई कोरोना का डर नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली की होली वाकई में काबिले तारीफ रही। लोगों ने खुशी से मेलजोल बनाया, लोगों के साथ व्यवहार बनाया, लोगों से हाथ मिलाकर गले मिलकर मनाया होली का त्योहार और कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। आइए आप भी देखिए पूरी खबर। सबसे पहले तो अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। 36 बिरादरी इस देश में है, हर तरह के त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदुस्तान में भाईचारा बहुत मजबूत है और हम चाहते हैं कि हमारे जो है गंगा जमुनी तहजीब, इसी को कहते हैं, वह जिंदा रहना चाहिए। और इसी में आज हमारे इलाके में, ख़ास करके नजफ़गढ़ ज़िला में, बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं, और मेरे गली में तो आप देख ही रहे हैं कितनी जोश और खरोश के साथ होली मना रहे हैं सभी नौजवान। तो कोरोना वायरस का भी इतना असर हमारे इलाके में नहीं है, बाकी ठीक है। सरकार का जो ऐलान है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, ये ज़रूरी है। कोई ऐसा भी काम ना करें जिससे कोई बीमारी खतरनाक हो जाए, तो उससे बचने के भी हम चाहेंगे, आह्वान करेंगे लोगों से। और ख़ासकर जो आज का जो होली का त्यौहार है, इसमें अगर हम छोड़ दें मनाना बीमारी के नाम से, कोरोना वायरस के नाम से, तो फिर हमारी गंगा जमुनी तहजीब और हमारी संस्कृति पर जो है छाप लगता है। इसलिए लोग मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। यहाँ पे ईद भी अच्छी तरह से मनाई जाती है, होली भी अच्छी तरह मनाई जाती है। इसमें तमाम त्यौहार, दिवाली, सभी चीज़ें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो कुछ हो रहा है कहीं कहीं दिल्ली में, मुझे 40 साल दिल्ली में रहते हो गए, हमने जो अभी कुछ दिन पहले जो देखा है, हाँ, होली से पहले जो अभी इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है, जमुना पार में दंगे और उसके बाद दंगे की अफवाहें हैं, तो इस पर अगर बात करें, क्योंकि आप देखिए एक मुस्लिम हैं और सैयद हैं आप, और आप आज होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों ने किया है उसमें कुछ लोग हैं, वो हर समाज में कुछ ऐसे होते हैं, जबकि आज उन्हें भी पछतावा हो रहा होगा कि जिन लोगों के बच्चे गए हैं, जिनकी जाने गई हैं, वो जाने, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो खून बहा है वो देश का बहा है, उस नागरिक का, इस देश का नागरिक था, उसका खून बहा है, इंसानियत का खून बहा है। और ऐसे कुछ लोग जो असामाजिक तत्व पे जो निकल के आए, जिन्होंने ऐसा कर दिया, वहाँ देखने को ये भी मिला कि जहाँ इतना बड़ा भौचाल था, जहाँ लोग मर रहे थे, और वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे कि एक मस्जिद को हिंदू समाज के लोग बचाने के लिए बैठे हुए थे कि कोई इसको फूंकने आएगा तो हम इसको फूंकने नहीं देंगे, मुस्लिम भाई हमारे हैं। एक जगह ऐसा भी देखने को मिला कि एक मंदिर जो छोटा सा था, वहाँ हिंदू की आबादी बहुत कम थी जाफराबाद में, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी दाढ़ी और टोपी लगा के बैठे थे और कह रहे थे अगर कोई शरणार्थी इसमें आएगा इसको फूंकने, तो हम इसकी रक्षा करेंगे। तो आज भी हमारे उस भौचाल में भी हम देखते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब
और हमारा भाईचारा कायम रहा। और कुछ लोगों की वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ हुआ है तो दिल्ली कलंकित हुआ है। अब आगे पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे आपको कि कैसे आप कैसे एकता के साथ रहें और कैसे वो इन सब चीज़ों अफवाहों से वो बचें? ये सबसे बड़ी बात है कि जात पात ला कानून दिगर बुराइयों से उठकर ऊपर उठकर देश समाज के हित में काम करना चाहिए, भाईचारा काम करना चाहिए और मजहब से उठ करके इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। इंसान इंसान का अगर दुश्मन होगा वो मजहब से जोड़ के क्यों देखता है? पहले तो वो इंसान है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई बिरादरी है। 36 बिरादरी जो है वो सब अपने अपने धर्मों में आस्था रखते हैं, लेकिन वो पहले इंसान है। तो सबसे पहले अगर इंसानियत पे हमला होता है, चाहे वो हिंदू मरता है तब भी इंसानियत का खून हो रहा है, मुसलमान मरता है तो भी इंसानियत का खून होता है। और वो सब भारतीय हैं, वो सभी देश के नागरिक हैं। तो हम देशवासियों खून बहा रहे हैं, हम भाइयों के खून बहाने को तैयार हैं। तो ऐसा अगर होता है तो देश कलंकित होता है। दिल्ली जहां दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दिल्ली कलंकित हुआ है और सरकार हाथ में हाथ धर के बैठी रही, देखती रही, तमाशाई बनी रही। खास करके से दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, अगर वक्त पर सरकार मुस्तैद रहती, कानून को अगर आगे लाती तो मैं समझता कि जाने बचाई जा सकती है। लेकिन ऐसा ढील जो हुआ उसका फायदा शरणार्थी तबकों ने कर लिया और उसके लिए हम जैसे लोग, सेकुलर लोग, हमारा भाईचारा, हमारे देश का एकता अखंडता जो टूटा है उससे दिल्ली सालों साल हुआ है और इंसानियत तार तार हुई है।